In this topic the causes and consequences of low women political participation in Pakistan we are going to highlight some basic reasons that why women are not getting much opportunities to participate in politics and in the political process so gender discrimination in the areas and spe specifically in those areas where education is lesser Far, far from areas even in the villages where there is the traditional political culture then the religious interpretations that some uh, people believe that in according to religion women have not many rights to take part in politics then the communities collective decisions to bar women to vote in some areas even in pakistan uh, jo कबाइल कबायली इलाका है या रवायती इलाका जाते हैं जहाँ ख़वात के बारे में ये कहा जाता है कि उनको वोट का उस तरह से हक नहीं दिया जा सकता हालांकि कानूनी लिहाज से अखलाकी लिहाज से ख़वान के पास ये हक मौजूद है बस जगहों पर तो ऐसा भी है कि खातन के पास उनके अपने आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और जो चूँकि इलेक्शन की एक बुनियादी शर्त होती है इस वजह से वो खुतन अपना वोट कास्ट नहीं कर सकती कई जगह पर वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर जो मेल डोमिनेंट पार्ट होता है ख़ानदान का वो ऐसी रवायात खड़ी करता है कि खवतान के वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड ना हो सकें ये लो लिट्रेसी रेट जो है ख़वा के यहाँ बिलमूम हमारे यहाँ ख़वान का बच्चियों का को पढ़ाने में कम दिलचस्पी ली जाती है जिसकी वजह से उनका जो लिटरेसी रेट है वो कम है और जाहिर है तालीम शुरू देती है और इस शुरूर की कमी की वजह से फिर ख़ोतन अपने हक रायदही से महरूम रह जाती हैं फिर बाजात पोलिंग इस्टेशन्स ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं जो घरों से दूर होते हैं या बाज़ आने जाने के मसाइल होते हैं तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आम तौर पर खुवा अपने हक रायदही से महरूम रह जाती हैं लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि इन पाकिस्तान के केस में हालांकि कवातीन की जो लजस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन है उसमें इजाफ़ा किया गया बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ बहुत सारे ऐसे फ़ोरम्स बनाए गए कवातीन को नशस्तें जो हैं उनके लिए मखसूस नशस्तों का भी तयन किया गया चाहे लोकल बॉडीज़ हों चाहे असम्बलीज़ हों कानून साज असम्बली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी खुवान की मखसूस नशस्तें हैं और मख्तलिफ़ कमेटीज़ के अंदर भी उनके रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद होती है बहुत सारी ऐसी लीगल इंटरनेशनल कमेटीज़ हैं जिनमें बिलखसूस ख़वान को नुमाइंदगी जो है वो दी जाती है लेकिन इसके बावजूद हम अगर ये समझें कि ख़वात उस तरीके से पोलिटिकल पार्टिसपेशन का प्रोसेस क्यों नहीं बन पाती हैं या क्यों नहीं बन सकी आज तक तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो रवायती एलिट है पाकिस्तान में बाजुकात उसकी जो ऐसी पॉलिसी इंटरपटेश रही हैं कि उन्होंने ख़ीन को एक हद से आगे अमल का हिस्सा नहीं बनने दिया क्योंकि सिर्फ वोट वाले दिन वोट डालने जाना पॉलिटिकल पार्टिसपेशन नहीं है बल्कि मुसलसल सियासी अमल का हिस्सा बनना और सियासी अमल का हिस्सा रहना ये तभी मुमकिन है कि जब ख़ुद ख़वान के अंदर ये स्पिरट मौजूद हो कि उनकी मौजूदगी जब वो आबादी में मर्दों से अब उनके हाफ यानी मर्द मर्द और ख़वान आबादी का जो तनासब है इस वक्त वो ख़ीन की फेवर में ज़्यादा हो गया है तो ये और ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर ख़वा मुकम्मल तौर पर सियासी अमल का हिस्सा नहीं होंगी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अगर उनका किरदार कम होगा तो यकीनन फिर वीमेन एम्पावरमेंट विद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल रोल विद स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रोल वो कभी भी अपने वो हकूक जिनके बारे में वो बात करती हैं वो उनको हासिल नहीं हो सकेंगे तो कमेटीज़ का मेंबर बनना पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों का होना ये इस बात को जाहिर नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर ख़वान का किरदार पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से मुतासरकन है बल्कि यहाँ ये बात को समझना ज़रूरी है कि वीमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच इम्पॉटेंट फॉर द मेच्योर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड नॉम्स क्योंकि अगर ख़वात हर जगह पर मौजूद होंगी और वो हिस्सा लेंगी तो बहुत सारे ऐसे सियासी रवैये जो पाकिस्तान के, के अंदर मौजूद हैं उन सियासी रवैयों के मनफी असरा को भी कंट्रोल किया जा सकता है इसी तरीके से ख़ीन के किरदार को ख़वा की मौजूदगी के साथ ज़्यादा मुतासरकन बनाया जा सकता है और अगर ख़ुद खुवात बरह रास्त इलेक्शन में वोट से जीत कर आएंगी तो उनके अंदर ज़्यादा अतमाद मौजूद होगा कि वो भी पाकिस्तान के सियासी अमल का बायदा हिस्सा हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ मसाइल मौजूद हैं उन मसाइल का हल खुद ख़वान की कोशिश और जदोजहद के साथ ही मुमकिन है क्योंकि कानून आइन हर लिहाज से ख़ीन को हकूक़ हासिल हैं खुतन की नुमाइंदगी मौजूद है और जहाँ कहीं इसकी ख़िलाफ़ वर्जी है या इसके बारे में शिकायात हैं वो ख़ुद ख़वात को ही अपनी कोशिश के साथ अपने माशरे के अंदर मस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत है और जो यकीन ख़वात के मंतख नुमाइंदों के ज़रिए ही मुमकिन है चाहे ये नुमाइंदगी मर्द हजरा कर रहे हैं या ये नुमाइंदगी खीन खुद कर रही हैं अगर वो अपने फ़रज़ अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगी तो विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज भी होगी और इसके पाकिस्तान के सियासी अमल और पाकिस्तान के माशरे पर मस्बत असरात मुरतब होंगे